हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते, बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या, इसलिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिन मथुरा वासियों ने हमारे जवाई महाराज कंस की हत्या हो जाने पर उसके हत्यारे की जय जयकार के नारे लगाए थे, उनमें से कोई भी इस धरती पर जीवित ना रहे। मथुरा की गलियों में बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी जीवित न दिखाई दे। हम इस धरती को यादों से विहीन कर देना चाहते हैं, ताकि समस्त यदुवंशियों का नाम इतिहास के पन्नों से मिट जाए। इसके लिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है, जो समुद्र की लहरों की तरह उस नगरी को उसी के नागरिकों के रक्त में डुबो दे। मैं कंस को तो वापस नहीं ला सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसके हत्यारे को वहीं भेज दूंगा जहां कंस गया है। उसका हत्यारा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। अक्रूर जी के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कंस की हत्या का बदला लेने के लिए उसके श्वशुर मगध नरेश जरासंध ने एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर कूच कर दिया है। दूतों का कहना है कि जरासंध के साथ उसके कई मित्र राजाओं की सेना भी आ मिली है। इतने बड़े संकट से मथुरा की रक्षा कैसे की जाए, इसी पर विचार करने के लिए आज ये सभा बुलाई गई है। सेनापति, हमारी समस्त सेनाओं को एक भीषण युद्ध की तैयारी का आदेश दिया जाए। राजधानी के बाहर जहां जहां भी सेना की टुकड़ियां हैं, उन सबको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर 15 दिन के अंदर राजधानी में उपस्थित होने को कहा जाए। जिस दिन पूरी सेना उपस्थित हो जाएगी, उसी दिन हम मथुरा की ओर कूच करेंगे। हम जानते हैं कि मथुरा नरेश की थोड़ी सी सेना को हराने के लिए हमें अपनी इतनी विशाल सेना को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते, बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या, इसलिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिन मथुरा वासियों ने हमारे जवाई महाराज कंस की हत्या हो जाने पर उसके हत्यारे की जय जयकार के नारे लगाए थे, उनमें से कोई भी इस धरती पर जीवित ना रहे। मथुरा की गलियों में बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी जीवित न दिखाई दे। हम इस धरती को यादों से विहीन कर देना चाहते हैं, ताकि समस्त यदुवंशियों का नाम इतिहास के पन्नों से मिट जाए। इसके लिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है, जो समुद्र की लहरों की तरह उस नगरी को उसी के नागरिकों के रक्त में डुबो दे। बस हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो। हाँ, मैं कंस को तो वापस नहीं ला सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसके हत्यारे को वहीं भेज दूंगा जहां कंस गया है। उसका हत्यारा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। Yeah।
की जय हो। महाराज बाणासुर सेना के साथ आ गए हैं। कहो उनका स्वागत है, जाओ। महाराज शल्य की सेना भी आ गई है। मद्र नरेश को हमारा नमस्कार कहो, जाओ। आज मथुरा पर संकट के बादल छा रहे हैं। अक्रूर जी के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कंस की हत्या का बदला लेने के लिए उसके श्वशुर मगध नरेश जरासंध ने एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर कूच कर दिया है। दूतों का कहना है कि जरासंध के साथ उसके कई मित्र राजाओं की सेना भी आ मिली है। इतने बड़े संकट से मथुरा की रक्षा कैसे की जाए, इसी पर विचार करने के लिए आज ये सभा बुलाई गई है। महाराज उग्रसेन न केवल वृद्ध हो गए हैं, अपितु इतने वर्षों तक उस काल कोठरी में बंद रहने के कारण उनके अंगों में जो एक शिथिलता और जर्जरता आ गई है, उसके कारण हमें उनसे ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो किसी युद्ध का नेतृत्व कर सकेंगे, और न ही हमें उन पर ऐसा बोझ डालना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम सबको मिलकर ही इस राज्य की रक्षा करनी होगी। इसीलिए आज आप सब लोगों को यहां बुलाया गया है, और आज उपस्थित यहां समस्त विष्णुवंशी, शूरवंशी और अंधकवंशी सरदारों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अक्रूर जी, हमारे गुप्तचरों का क्या अनुमान है? जरासंध के साथ कुल कितनी सेना है? हमारे गुप्तचरों का कहना है कि जरासंध के साथ कई अक्षौहिणी सेना है, जिसकी गिनती करना असंभव है। महाराज, इसका अर्थ है कि अकेली मथुरा की सेना उसका सामना नहीं कर सकती। इस परिस्थिति में हमें दूसरे राज्यों से सहायता मांगनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे निकट के जितने भी राजा हैं, बाणासुर और भौमासुर, वो सब कंस के मित्र हैं। वो हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि मथुरा के लूट में हिस्सा बटाने के लिए वो इस समय जरासंध के साथ मिल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें दूसरों का सहारा ढूंढने की जगह अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए। हमें स्वयं यह निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। ये निश्चय करना तो सहज है, परंतु यह भी सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। जो योद्धा पहले से ही परिणाम की सोच कर युद्ध क्षेत्र में जाता है, वो युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए। फिर परिणाम भले कुछ भी हो, यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा। स्वर्ग में भी उसका एक वीर की भांति ही सम्मान होगा। जिस युद्ध में जीतने की कोई संभावना ही ना हो, ऐसे युद्ध में कूद कर मरने को वीरता नहीं, आत्महत्या कहते हैं। जिसे आप आत्महत्या कहते हैं उसे बलिदान भी तो कह सकते हैं। शब्दों के हेर फेर से परिस्थिति नहीं बदल जाती। मेरे विचार में आज जो परिस्थिति है, उसमें ऐसी मूर्खों वाली वीरता की बजाय राजनीति का प्रयोग करना चाहिए, और इस समय राजनीति यही कहती है कि महाराज तत्काल अपनी महामंत्री को जरासंध की सेना में भेजकर उससे संधि की प्रार्थना करें, जिससे यह विनाशकारी तूफान रास्ते में ही रुक जाए। ये कायरों की राजनीति है, वीरों की नहीं। अक्रूर जी, मनुष्य को इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े वीरों ने जब ये देखा कि शत्रु से मुकाबला नहीं हो सकता, तो उसके सामने घुटने टेक कर उससे संधि कर ली, जिससे शत्रु मित्र भी हो गया और उनके प्राणों की रक्षा भी हो गई। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में सूर्यवंशी श्री राम का उदाहरण भी मिलता है।
कि जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण करके उनके पुरुषत्व को ललकारा तो उनके कर्तव्य ने उनको आवाज दी कि उनकी और उनके रघुकुल की आन रखने के लिए उस पापी को दंड देना उनका धर्म है। तब उन्होंने क्षण मात्र के लिए भी यह नहीं सोचा कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है, और उनके पास तो अपनी अयोध्या की सेना भी नहीं थी। फिर भी उस वनवासी राजकुमार ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने दृढ़ आत्मबल और केवल अपनी वीरता के भरोसे पर कुछ वानरों को साथ लेकर लंका के किले पर चढ़ाई कर दी और यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, न मृत्यु से डरता है न परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती है। इतिहास हमें यही सिखाता है महाराज कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना ही अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हम कृष्ण की बात से सहमत हैं। यह हमारे क्षत्रिय धर्म की परीक्षा का समय है और हमें इस परीक्षा में खरा उतरना है। हम वचन देते हैं जब तक हमारे हाथों में तलवार उठाने की शक्ति है हम स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। वचन देते हैं महाराज कि जब तक हमारे शरीरों में प्राण है शत्रु की तलवार आपको छू तक नहीं पाएगी। हमें अपने योद्धाओं से यही आशा है। फिर भी यदि आज्ञा हो तो एक और प्रार्थना करूं महाराज। अवश्य। महाराज मेरे विचार में एक और योजना आई है। भले ही बाणासुर और भौमासुर हमारा साथ नहीं देंगे परंतु हमारे हमसाए में इंद्रप्रस्थ का विशाल साम्राज्य भी है, उनके पास बड़ी शक्तिशाली सेना भी है जिसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धर और महारथी भी हैं। इंद्रप्रस्थ में आपकी पुत्री और कुमार वसुदेव की बड़ी बहन महारानी कुंती भी रहती हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम उनसे सहायता की प्रार्थना करें तो इस संकट में अवश्य वो हमारी मदद करेंगे। यदि आप कौरवराज धृतराष्ट्र के पास अक्रूर जी को आज ही भेज देंगे तो मथुरा के इतना निकट होने के कारण उनकी सेना ठीक समय पर यहां पहुंच सकती है। मैं इस विचार से सहमत हूं महाराज। मैं भी इस बात से सहमत हूं महाराज। मैं भी इस विचार से सहमत हूं महाराज। हम भी इस बात से सहमत हैं। हालांकि हमारे जामाता महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण अब मेरी विधवा पुत्री कुंती का वह कितना प्रभाव है यह हम नहीं जानते। फिर भी महाराज धृतराष्ट्र और महात्मा भीष्म से हमें पूरी आशा है कि वह इस धर्म युद्ध में हमारी सहायता अवश्य करेंगे।
सेनापति अक्रूर जी महाराज, आप इसी क्षण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें और शीघ्र लौटकर हमें उनके निर्णय से अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।